दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, देखो पहले बता देता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन हम करते क्यों हैं। देखो, हम रेजिस्टर्स की हेल्प से ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब वो दो टाइप के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। अब पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर सेकेंड आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टर्स को तो रेजिस्टेंस का टोटल सम घट जाएगा। ओके, अब देखना कैसे कैसे। देखो, पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन को समझा देता हूँ। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है, अगर सपोज़ करो एक चैन टाइप की स्ट्रक्चर, सपोज़ करो इससे इसमें यहाँ से करंट फ्लो होगा और इससे इसमें करंट जाएगा, जो मतलब इसमें करंट आया वही करंट इसमें फ्लो होगा। ओके, सेम एज इट इज़, इसमें अपोजिट होगा पैरल वाले में। देखो, जो करंट यहाँ पे आई आया होगा वो आई वन बाई टू, आधा करंट इधर चला गया होगा अगर ये आर वन आर टू बराबर है, और आई टू आई बाई टू इधर चला गया होगा। ठीक है, फिर दोबारा बी पॉइंट पे मिल गए होंगे, तो दोबारा यहाँ से बी पॉइंट से आ गए, दोबारा वो सेम आई करंट फ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है करंट। ओके, यहाँ पे सीरीज में पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखने की बस। ओके, पैरेलल करंट बस इसको इसलिए बोल रहे हैं, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो एक दूसरे में पैरेलल है। ठीक है, सीरीज इसलिए बोल रहे हैं बस एक चेन टाइप की स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस इन दो कीवर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो है ये वाला, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो आर वन प्लस आर टू, अगर तीन हो जाते तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसे चार हो जाते तो आर फोर तक चले जाते। ठीक है, तो जैसे जितनी जितनी वैल्यू होगी वैसे वैसे बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब देखना, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, देखो ये मैंने तीन का केस भी बता दिया है। ठीक है, और फॉर्मूला जो होता है वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, इसमें यही यूज करेंगे। यहाँ पे भी देखना, कोई जब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा उससे समझ चुके होगा पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, देखो वोल्टेज ड्रॉप होगा। मैंने बोला था ना अभी, इसमें करंट, उसमें जो पैरेलल वाले में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और सीरीज वाले में वोल्टेज ड्रॉप होगा। और देखो, इस वाले के अक्रॉस वी वन वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस वी टू वोल्ट ड्रॉप होगा, और वी थ्री आर थ्री के अक्रॉस वी थ्री। तो इन तीनों का सम यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम वी पोटेंशियल बोल देंगे। देखो, वी इक्वल टू हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ठीक है, यहाँ से जो पोटेंशियल निकला है वो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे तीन पॉइंट पे ड्रॉप हुआ है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। अब देखो, सीधा एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये चार रेजिस्टेंस है वन 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 ओम के। ओके, और इसको हम अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, मैंने अभी बताया था कि सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो वन 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 यहाँ पे फोर ओम रेजिस्टेंस हो गया टोटल। ओके, अब बताएं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल में। देखो, पैरेलल का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो है वन अपॉन आर वन इक्वल टू वन अपॉन आर इक्वल टू होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये वाला जो फॉर्मूला है। देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो वन बाई आर एन तक लेते हैं इसको, अगर दो है तो दो का फॉर्मूला ये रहा है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलली कॉम्बिनेशन है, पैरेलली का मीनिंग ये है, देखो जैसे ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ठोक देंगे। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे, एक ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल ही हैं। ओके, कनेक्टेड। तो ये जो जो फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करेंगे, सपोज़ करो कोई छः, ये छः ओम का है। ओके, ये बारह ओम का है, तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे R1 और R2 की, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि R की वैल्यू निकल के आई है 4। देखो, मैं बोल रहा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी, देखो कैसे 6 और ये 12 है, दो कनेक्ट करने के बावजूद भी इसका दोनों का सम मिला के 4 ओम रेजिस्टेंस आया, समझे। मतलब देखो, 4 और 6 इनको कॉम्बाइन करके अगर हम वैसे सीरीज में कनेक्ट करते तो कितना होता 18, और यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करते कितना आया 4 ओम। तो यही चीज़ मैं जब से बताना चाह रहा हूँ कि इसमें पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये थोड़ा कम हो जाता है। ओके, अब है अगर हम
दो रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो करंट का क्या रेशो होगा। ठीक है, देखो I1, ये मैंने बताया था ना, पैरेलल जब होता है तो उसमें क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो I1 की वैल्यू है इधर वाले में, और सपोज करो, देखो ये रहा, मैं डिनोट कर रखा है इसने, और I2 की वैल्यू दे रखी है R2 में। ओके, तो I1 की वैल्यू होगी V/R, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, और वो जो पॉइंट है वो दोनों के लिए सेम है। देखो R1 के लिए भी यही पॉइंट माने जाएंगे और R2 के लिए भी यही दोनों पॉइंट माने जाएंगे, ए और बी। ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में कुछ नहीं है, I1 और I2 की वैल्यू रख दी है, देखो वो फिर दोनों सम करके ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब यही तो है, देखो यहाँ से I करंट चलाए तो यहाँ पे दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, अब यही यहाँ पे कर रखा है कि I1 I इक्वल टू I1 प्लस I2 कर दिया, वो फिर V कॉमन ले लिया, दोनों जगह से कॉमन लेके V काट दिया है, और फॉर्मूला अपने आप ही ड्राइव हो गया, 1/R इक्वल टू 1/I1 प्लस 1/R2। ऐसे ही तीन अगर पैरेलली कंडीशन है तो तीन में भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तीन का देखो ये ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तीनों में करंट डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है यहाँ पे, और V कॉमन लेके V को काट दिया है, और फिर ये सीधा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला बना है तीन रजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करने के बाद। ओके, अब ये एक प्रॉब्लम दे रखा है, दो रजिस्टर ले रखे हैं, वो 3 ओम और 6 ओम वैल्यू रखेंगे, और देखना 2 ओम मतलब दोनों के सम से कम आया, देखो तीन इवन तीन से भी कम आया। ठीक है, 6 ओम था मैक्सिमम, 3 ओम था दूसरे वाला, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद जब हमने सॉल्यूशन किया तो 2 ओम आया टोटल। ओके, फिर ऐसे ही अगर हम तीन को कनेक्ट, देखो ये कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू आई है 8 और क्या बोलते हैं 12 की इस वाले सर्किट में, फिर उसको देख रहे हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसका जो सम होगा टोटल पैरेलली वाले फॉर्मूले से जो निकल के आएगा, ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो यानी मतलब ये, फिर इनको सीरीज के फॉर्मूले से यूज करके देखो, पहले ये रहा पैरेलल का फॉर्मूलेट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में दिखाता हूँ मैं आपको, R2 R3 की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू ये आ गई, फिर उसके बाद में टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करा, 4.8 प्लस 7.2, 7.2 ये रहा। ठीक है, फिर एक ये ऐसा कंबाइंड सर्किट बन गया था। अब टोटल करंट ऐसे फाइंड हो जाएगा, समझे, V/I इक्वल टू होता है R, और R की वैल्यू हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो I की वैल्यू हो जाएगी 6/12 जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी, और हाफ एम्पियर करंट फिल हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाले पोर्शन में क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस। ओके, तो देखो फर्स्ट अक्रॉस के लिए यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है, तो हाफ एम्पियर का करंट अभी ये फाइंड किया है हमने एरा, और रजिस्टेंस की इसमें वैल्यू दे रखी है 7.2 फर्स्ट वाले के लिए, देखो जीरा दिखाता हूँ, जीरा 7.2 ओम। ओके, इसके बाद में जब हमने वी की वैल्यू रखी इस वाले फॉर्म, वी की वैल्यू फाइंड करी इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, वी इक्वल टू हो गया IR, इन दोनों से मल्टीप्लाई करी तो 3.6 वोल्ट आ गया। ओके, अब आगे की प्रॉब्लम है छोटी छोटी, इनको आप खुद ट्राई करना, ठीक है, और नहीं होता है तो मेरे को कमेंट में बता देना, जो सा भी हो मैं उसको सॉल्यूशन यहाँ पर समझा दूँगा वीडियो बना के। ओके, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है डिस्कशन के लिए। सिर्फ वो ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का थोड़े बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज और पैरेलल। ओके, इसमें बस ये बताना चाह रहा है थोड़ा बहुत टॉपिक में कि ये जो घर पे हैं हम, देखो अलग अलग टाइप के यूज होते हैं, जैसे सपोज करो किसी के मोहल्ले में कोई शादी है तो आपने देखा होगा एक बहुत लंबी लाइन लगा देते हैं बल्ब की, ठीक है, जिससे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाए, तो वो जो कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या होता है, देखो उसका पर्पज़ ये होता है कि सपोज करो अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो उससे हमारा बचा रहेगा आगे के सारे बल्ब, ऐसा नहीं है कि एक डैमेज हो गया तो सारे डैमेज हो जाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है अगर कोई वोल्टेज सपोज करो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे, तो अगर एक साथ से रैपिडली बढ़ जाते हैं तो सपोज करो जो पहला बल्ब है वो फूक जाएगा और बाकी के सेफ बचे रह जाएंगे। ठीक है, वो एक तरीके का फ्यूज की तरह भी वर्क करेगा, बस इसमें ये बोल रहा है। ठीक है,
ये जो देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायर। ओके अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा वो डिस्कस करते हैं दोस्त। पहली प्रॉब्लम क्या होगी कि देखो इसमें लिख रहा है कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सेम सम इफेक्ट सम डिफेक्ट देन ऑल अदर एप्लीकेशन ऑल्सो स्टॉप। इसका मतलब यह है कि अगर गलती से कोई एक बल्ब सीरीज में कोई फूक जाता है या कोई डैमेज हो जाता है उसमें तो क्या होगा, वो सारे के सारे आगे के जल नहीं पाएंगे। ठीक है मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकती है बिकॉज सपोज करो एक बल्ब की ज़रूरत है और सारे के सारे बंद पड़े हैं उस एक बल्ब की वजह से। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इन सीरीज सर्किट ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट टर्न ऑफ सेपरेटली। मतलब इसमें सिर्फ एक ही स्विच होगा, समझ गए, कोई अलग अलग स्विच नहीं हो सकते इसमें कि हर बल्ब के लिए अलग स्विच कनेक्ट कर ले। इसमें फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि हम करेंगे एक को, हम करना चाह रहे होंगे अगर एक को ऑन तो हमको क्या करना होगा, सारों को एक साथ ऑन करना होगा एक के उजाले के लिए भी। ठीक है अब मैंने देखो एक स्टेटमेंट बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है याद भी कर लेना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अब वोल्टेज ड्रॉप होने का मीनिंग क्या है, देखो अब सपोज करो सीरीज में कनेक्टेड है ठीक है एक कोई किसी भी चीज़ से पावर सोर्स से, तो देखो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि देखो पहला जो बल्ब होगा उसको तो सपोज करो मानो 220 वोल्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा मिल गया जो पहले वाले बल्ब को, लेकिन जो दूसरा होगा या तीसरा होगा या 100वें नंबर का होगा हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि उसको पूरा 220 वोल्ट नहीं मिल पाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो चुके होंगे। समझ गए कहना मीनिंग कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन वर्ड को ध्यान से समझ के याद कर लेना कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है और करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अलग अलग ब्रांचेज में। ठीक है ओके दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो पावर सप्लाई है उसमें करंट काफ़ी ज़्यादा लो जाता है। ओके इसी चीज़ ये चार पॉइंट हैं बस ये चीज़ समझना। और फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किटिंग इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है इसमें बात करेंगे हम एडवांटेज क्या है। अब देखो उसमें क्या हो रहा था कि वो बंद हो रहे थे, एक को बंद करने से सारे बंद हो जाएंगे, वो एक के ख़राब होने से सारे बंद हो रहे थे आगे के। ठीक है सीरीज वाले में, लेकिन पैरेलल वाले में क्या है, इसमें एडवांटेज इसी चीज़ का है कि अगर सपोज करो एक वर्क कर रहा है एक सारे वर्क कर रहे हैं और एक उनमें से कोई डैमेज हो जाता है तो बाकी के ऐसे एज इट इज नॉर्मल वर्किंग करते रहेंगे अपने। ठीक है दूसरा एडवांटेज इसका यही है कि हम इसमें इंडिविजुअली अलग अलग हर किसी बल्ब के लिए स्विचेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके जैसे कि मैं पिछले पॉइंट में बता चुका हूँ कि सीरीज में क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप और इसमें क्या होगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इसमें यही है कि तीसरे पॉइंट में कि भाई सबको बिल्कुल बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है उसमें क्या हो रहा था, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था मतलब गिर रहा था, 220 की जगह 200 किसी को 10 मिल रहा होगा किसी को 205 ही मिल रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है इसमें सारे बल्ब को सिर्फ 220 एग्जैक्ट मिल रहा होगा बिकॉज इसमें वोल्टेज ड्रॉप का कोई मतलब ही नहीं होता। ओके और इसमें सबसे बेस्ट बात है इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है जिसकी वजह से करंट की सप्लाई जो होती है थ्रू आउट द सर्किट में काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में होती है। ओके इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसी की वजह से उसमें करंट की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में सप्लाई होती है। ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है इलेक्ट्रिक पावर में समझना है कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। देखो इसमें पहले इसको डेफिनेशन को सुनो, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना वर्क डन करा है किसी ने और कितने यूनिट टाइम में। देखो इसको सिंपली बता रहा हूँ मैं, ये एक रेस हुआ है वर्क का और टाइम का, इन दोनों का रेस हुआ है उसी को कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक पावर। ओके देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड एज पर वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क, जो करंट है वही वर्क कर रहा होगा। वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है रेट को जहाँ भी रेट आ जाएगा तो समझ लेना किसी फिजिकल क्वांटिटी में जरूर टाइम से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है टाइम के रेस्पेक्ट में बोलते हैं रेट।
तो यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट। अब वॉट क्या होता है, 1 वॉट अगर मैं पूछने लगूँ कितना होता है 1 वॉट, तो कहने का मतलब अगर 1 सेकंड में कोई, अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे 1 वॉट का पावर यूज कर लिया इसने। ओके, और ये होता है जैसे अब गांव में या किसी भी, ज़्यादातर आपने जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखे होंगे उसमें होता है किलोवाट में। तो ठीक है, किलोवाट का मीनिंग क्या है, 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वाट। तो समझ गए होगे ना, 1000 वाट वो यूज कर रहा होगा, समझे। नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब किस रेट से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अब इसमें हम कुछ डिस्कशन करेंगे इसके पावर कैलकुलेटिंग के बारे में, फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे। देखो ये पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम, ओके, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पी इक्वल टू हो गया डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू डिनोट कर रहा है वर्क को, टी डिनोट कर रहा है टाइम को, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है वी आई टी, ये फॉर्मूला है। ओके, अब देखना कि ये फॉर्मूले में ये ओके डब्ल्यू, डब्ल्यू में यहाँ पे डिनोट कर दिया है पावर के वाले फॉर्मूले में, डब्ल्यू इक्वल टू होता है वी वी आई टी, और वी आई टी को जब हम रखेंगे तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, पावर इक्वल टू होगा वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर आपको देखना है एक न्यूमेरिकल जरूर जरूर आएगा अभी आगे वाले डिस्कशन में कि पावर क्या होती है। पावर होती है करंट में अगर हम वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा पावर। ओके, अब फिर है इलेक्ट्रिक पावर, वही जो अभी बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, और इलेक्ट्रिक पावर इंटू, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट, और द पावर एक्सपेंडेड इन हीटिंग रजिस्टर और टर्निंग ए मोटर डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगी कि उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है और उसके बीच में करंट कितना पास हो रहा है। ठीक है, ये दो ही पॉइंट हैं जिस पर डिपेंड करेगी पावर। ओके, अब ये मिली मिली वॉट और ये माइक्रो वॉट, अगर ये चीज़ तो आप समझ चुके होंगे, मिली का मतलब होता है 1000वां पार्ट, समझ गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 एम्पियर है या 1 वाट समझो, 1 वाट को अगर मैं पूछने लगूँ कि कितने उसमें मिली वॉट होंगे, तो आपको बोलना है 1000 मिली वॉट होंगे। और अगर मैं पूछने लगूँ आपसे कि 1 मिली वॉट में कितने, अगर मैं पूछने लगूँ कि 1 वॉट में कितने माइक्रो वॉट होते हैं, तो आपको आंसर होना चाहिए 10 की पावर 6। जहाँ माइक्रो वॉट आ जाए वहाँ समझ लेना 10 की पावर -6 में बात चल रही है, और जहाँ पे मिली में बात चले वहाँ पे 10 की पावर 3 समझ लेना। ओके, मैं नैनो पे, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर 9, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10, बस पीको फेरड, यही कहने का मतलब है अभी तक जितना मैंने बोला है कि बस दो चीज़ ध्यान रखो, माइक्रो याद रखो और मिली याद रखो। ठीक है, नैनो का भी याद रख लो, 10 की पावर 9 होता है उसमें माइनस का। ठीक है, अब आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मूला जो है कैलकुलेटिंग पावर को यूज करने के लिए, कैसे कैसे ड्राइव करेंगे और उनको कैसे यूज करेंगे। ओके, विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको आगे वाली जो वीडियो बनाने वाला हूँ इस टॉपिक से या और अलग टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती रहे। ओके, ठीक है, थैंक यू।